शिव के दरवेश चैनल विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। आशा है तुसी सब ठीक होवोंगे। अज दी आपां इस वीडियो दे विच उन्हां लोकां दी गल करांगे जिन्हां लोकां नूं पीरां फकीरां ने टंगिया होया है, वह दुख दे विच ने, इम्तिहान दे विच ने। तां उन्हां लोकां दी अज इस वीडियो दे विच गल करांगे। तो समा ना खराब करदे हुए सीधा वीडियो वल चलदे आं जी। पिंड दे विच इक लड़का रहिंदा सी, उस लड़के दा सैलून दा काम सी, काम बड़ा वधिया चलता सी, उसनू काम तो बड़े वधिया पैसे बन जाते। शाम नू ओ की करदा, जल्दी दुकान वधा के उस ही पिंड दे विच एक शमशान घाट सी। शमशान घाट दे विच एक फकीर बैठा होया सी। ओ लड़का शाम नू जल्दी दुकान वधा के उस फकीर कोल चला जांदा। ओ फकीर अखा नहीं सी खोलदा। बस ओ लड़का ओ फकीर दे सामने बैठ के मुड़े आउंदा। उस लड़के नूं उस फकीर नाल बड़ा लगाव हो गया सी। वह इस तरह ही करदा, दुकान जल्दी वधा के शाम नूं बंद करके शमशान घाट दे विच फकीर कोल चलिया जांदा ते उस कोल बैठ के वापस आ जांदा। एक दिन की होया, वह लड़का जल्दी दुकान वधा के उस फकीर कोल गया तां उस फकीर कोल जाके सामने बैठ गया। जदों वह लड़का वह फकीर दे बिल्कुल सामने बैठा होया सी तां फकीर ने अखां खोल लियां। लड़का देख के हैरान होया ते खुश भी होया। फकीर ने उस लड़के नूं सवाल कीता कि तू कित्थों है ते की कम करदा है। तां वह लड़का कहन लग्या, मैं इसी पिंड दा, मैं कटिंग दा कम करदा, वाल लोकां दे कटदा। तां वह फकीर अपने सिर दे विच हथ मारदा ते कहिंदा कि मेरे वाल भी कट दे, बड़े वड्डे होए पए ने। वह लड़का अपनी दुकान तो समान लै के उस फकीर कोल आउंदा ते उस फकीर दे वाल कट दिंदा। फकीर अपने सिर दे विच हथ मारदा ते देखदा कि इसने तां उसदे वाल जमा ही साफ कर दित्ते सी। तां फकीर उपर नूं मूँह करदा ते कहिंदा कि हे परमात्मा, जिवें इसने मैनू साफ कीता उदां ही तूं इस नूं साफ कर दे। तां थोड़े ही दिनां दे विच उस लड़के दा कम कार बिल्कुल कट गया, उस कोल कोई पैसा ना होया। वह लड़का दुखी रहन लग गया, भाव के पीरां फकीरां ने उसनू टंग दिता, उसका इम्तिहान शुरू हो चुका सी। ता पीर फकीर पहला टंगदे ने फिर रंगदे ने। थोड़े ही दिनां दे विच उस लड़के कोल कोई पैसा ना रहा, पर वह लड़का फिर भी शाम नू वह फकीर कोल चलिया जांदा। पर वह फकीर अखा बंद कर चुका सी, अपनी भगती दे विच लीन हो चुका सी। वह फकीर अखा नहीं सी खोलदा। ता इन्ने दिनां नू उस लड़के कोल कुछ भी ना रहा। एक दिन वह लड़का दुखी होके वह फकीर कोल जा रहा सी। ता राह दे विच एक होर फकीर मिलदा। वह फकीर उस लड़के नू कहिंदा कि की गल, बड़ा दुखी लग रहा। वह लड़का उसनू सारा कुछ दसदा। तो वह फकीर कहिंदा कि तू हुण इदा करी, जदों वह फकीर अखा खोलेगा तो तू फिर उस ही तरह अपना सारा कुछ दसी, ते जदों तेनू वाल कटन लई कहेगा तो तू उस दे सिर दे विच ब्लेट मार दी, उस दे सिर दे विच खून निकल आवेगा। तो वह ठीक इन्नी गल कह के वह बाबे कोल उस फकीर कोल चलिया जांदा। जदों फकीर अखा खोलदा तो उही लड़का फिर उस फकीर दे सामने बैठा हुंदा। फकीर उसनू उही सवाल करदा, कित्थों है ते की करदा। वह लड़का कहिंदा, मैं इस पिंड तो हाँ जी, मैं कटिंग का काम करदा। कि वह फकीर फिर अपने सिर दे विच हाथ मारदा ते कहिंदा कि मेरे भी वाल कट दे, बड़े वड्डे होए पए ने। तो वह समान इस बार नाल ही लैके आया सी। जदों वह समान खोलदा तो वाल कटने शुरू करदा, तो फकीर दे सिर दे विच दो तो तीन टक वह ब्लेट नाल लगा दिंदा। फकीर अपने सिर दे विच हाथ मारदा ते उसका हाथ बिल्कुल लाल हो जांदा। रंग दे नाल, खून दे नाल उसका हाथ बिल्कुल लाल हो जाता। तो फकीर उपर वाल नूं देखदा ते कहिंदा कि हे परमात्मा, जिवें इन्हें मैनू हाथां दे नाल, खून दे नाल मेरे हाथ रंग दित्ते ने, इदां ही तू इस नूं रंग दे। तां थोड़े ही दिनां दे विच उस लड़के का काम कार फिर वध जांदा। वह लड़का बड़े पैसे कमा लैंदा, उसके घर का गुजारा बड़े वधिया ढंग तरीके दे नाल होना शुरू हो जाता। हुण उस कोल पैसे भी आ चुके सी ते पीरां फकीरां दी किरपा भी उस कोल आ चुकी सी।
ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੀਰ 'ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਵਾਂਗ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਰੰਗਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਟੰਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ਿਵਕਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।